दोस्तों यदि आपको लगता है कि भारत अपना स्कोर 600 रनों तक पहुंचा देगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं कि कितने लोगों को भारत पर विश्वास है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 442 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन 47 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज चेतेश वर पुजारा 133 और अजिंक्य रहाणे 132 रहे। श्रीलंका की तरफ से करुणारत्ने और पुष्प कुमारा ने इस सत्र में एक रन एक विकेट झटकने में सफलता प्राप्त की। इससे पहले दिन की शुरुआत के कुछ समय बाद ही चेतेश्वर पुजारा को करुणारत्ने ने पगबाधा कर दिया। अजिंक्य रहाणे ने कल के स्कोर में 29 रन जोड़े, लेकिन उन्हें भी डिक्वेला ने पुष्प कुमारा की गेंद पर कैच करते हुए चलता किया, लेकिन अश्विन के साथ मिलकर तब तक उन्होंने 50 सेकंड अधिक रनों की साझेदारी कर दी थी। 413 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद अश्विन और साहा ने लंच सेशन पूरा होने तक कोई अन्य विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों मिलकर अब तक 29 रनों की नाबाद साझेदारी कर चुके हैं। टीम इंडिया विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही है और कप्तान कोहली भी यही चाहेंगे कि पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा कर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके।